उत्तर प्रदेश के अमेठी रेलवे स्टेशन पर हादसा हो गया। एक बुजुर्ग महिला चलती ट्रेन से गिर गई, हालांकि उन्हें एक टीसी ने बचा लिया। अमेठी रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग महिला चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। वो ट्रेन के नीचे जाने लगी। अचानक हुए इस हादसे से सभी लोग चौंक गए। हालांकि इसी दौरान सामने ड्यूटी कर रहे एक टीसी की नज़र महिला पर पड़ी। वो दौड़ कर आए और महिला को बाहर खींचा। इस कोशिश में टीसी को खुद भी चोट आई। इस घटना की तस्वीरें स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। गाड़ी घूम गया तो एक लेडी गेट के सामने स्लिप होके गिर रही थी, तो उसी को जब मैंने देखा तो तुरंत तेजी से तोड़ करके उसको मैंने खींचा, उसी में मैं भी थोड़ा स्लिप हो गया। महिला पंजाब मेल में सफर कर रही थी। वो अमेठी स्टेशन पर कुछ सामान लेने के लिए उतरी थी, तभी ट्रेन चल दी। इससे घबराकर महिला तेजी से ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, तभी ये हादसा हो गया। इस हादसे की वजह से महिला को भी चोट आई। हालांकि बाद में रेलवे स्टाफ ने ट्रेन को रुकवाकर महिला को उनकी सीट पर बिठा दिया। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई दिए। रूस ने ये हमला यूक्रेन के खेरसोन में किया जिसमें यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन के जवान ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से जेलेंस्की की फौज पर धनाधन गोले बरसाते दिखाई दिए, जिसकी आवाज से खेरसोन का इलाका गूंज उठा। जो वीडियो सामने आया उसमें आसमान में लगातार मिसाइलें फायर होती नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने रॉकेट में आग लगा दी हो। दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना को खदेड़ने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए गए जिनमें उसके कई ठिकाने तबाह हो गए।